भी अच्छी है, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं था ना है। जो भी मूवी में दिखाया गया है, इससे भी जघन्य अपराध, इससे भी ज़्यादा अत्याचार कश्मीर में हुआ था। अभी हम जो भी निर्माता हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इसकी पार्ट टू भी बनाएं और इससे जो भी हकीकत में जो अत्याचार हुआ था वो अत्याचार दिखाएं। पर वो देखेंगे तो है नहीं मूवी, मतलब वो मुसलमानों के खिलाफ ही है, मुसलमानों द्वारा जो किया गया है वो मुसलमान उनके वोट बैंक है, इसीलिए इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वो अभी भी नहीं चेता, अभी भी समाजवादी और कांग्रेस में बढ़ता रहा तो इससे भी नरसंहार बाद में होगा। जो हमारे राष्ट्र के साथ हैं, चाहे जिस धर्म के हों, वो हमारे हैं। मगर जो किसी विशेष जिहादी टाइप के लोग हैं उनको हमको बख्शना नहीं चाहिए, इस फिल्म को देख कर हमको ये एहसास होता है। हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि कश्मीर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसे देख कर ये प्रतीत हुआ कि कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ। आज हमें लखनऊ में, और लखनऊ में जो है रॉयल्टी सिनेमा हॉल पर आए, यहाँ पर जो मूवी चल रही थी द कश्मीर फाइल्स, हमने भी देखी मूवी, क्योंकि हमें भी पता था पहले मूवी देखेंगे उसके बाद लोगों का रिएक्शन लेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है इसको राजनीति से भी जोड़ने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा इस मुद्दे पर बात करना भी ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ जो है राष्ट्र के युवा हैं, इनको राष्ट्र का युवा इसलिए कहेंगे क्योंकि इन लोगों ने इस मूवी को देखा है और इस मूवी में सच्चाई क्या है, जो लोग बाहर कहते हैं उनकी बातें कितनी सच्ची, और जो जिन लोगों ने मूवी देखी है, जिन लोगों ने फील किया है, आज उनसे हम बात करेंगे। वो लोग यह इस मूवी देखकर मतलब बाहर क्या मैसेज देना चाहते हैं और लोगों को क्या बताना चाहते हैं। सर पहले तो अपना नाम बताइए। दिनेश रावत जी। सर अभी आपने मूवी देखकर सिनेमा से बाहर आए हैं, क्या लगा आपको इस मूवी में, क्या है क्या मतलब मूवी में क्या दिखाया गया, क्या सच्चाई है? ये जो पूर्व में कश्मीर में पंडितों के साथ घटनाएं घटित हुई थी, खासकर उस पर आधारित फिल्म है, और इस फिल्म को देखकर हमको तमाम प्रकार की शिक्षाएं लेने का मिलता है। ये सच्ची घटना थी, पूर्व में कश्मीरों की पंडितों पर जो हुआ था उसी की सच्ची घटना थी, और इसको देखकर हमको लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें राष्ट्र प्रेम के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए, और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको नष्ट नाबूद करने का समय आ गया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मूवी खेल करके? जो हमारे देश के साथ हैं, जो हमारे राष्ट्र के साथ हैं, चाहे जिस धर्म के हों, वो हमारे हैं। मगर जो किसी विशेष जिहादी टाइप के लोग हैं उनको हमको बख्शना नहीं चाहिए, इस फिल्म को देख कर हमको ये एहसास होता है। हमारे साथ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका, क्या मूवी देखी आपने? जी देखिए। क्या लगा आपको इस मूवी में, कितनी सच्चाई है मूवी में? राष्ट्र के प्रति प्रेम और सद्भाव कैसे रहना है, हमारे यहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको दर्शाया गया है। हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि कश्मीर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसे देखकर ये प्रतीत हुआ कि कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ। तो इससे ये है कि हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए, और देश में कैसे रहना, किसके साथ किस सद्भाव में रहना, किसके साथ कैसा सदुपयोग दुरुपयोग, किसके साथ कैसा क्या कहाँ भाव है, वैसा हम लोगों को उसी हिसाब से रहना है, और देश के प्रति जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? रामदेव सिंह। क्या लगा आपको इस मूवी में, क्या मूवी ही मूवी मानी जाए या फिर ये जो है एक लोगों की सीख के लिए इसको देखा गया है? नहीं, सत्य घटना है कश्मीर की जी, और बड़ी दुखदाई है जी। तो आप अभी देख कर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको मूवी? अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मूवी अच्छी नहीं है या मूवी में? मूवी अच्छी है लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं था ना है। कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी जो है एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा था लखीमपुर में बननी चाहिए। तो क्या लगा आपको उनकी बातों से लेकर के, इस मूवी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो देखेंगे तो है नहीं मूवी, मतलब वो मुसलमानों के खिलाफ ही है, मुसलमानों द्वारा जो किया गया है वो मुसलमान उनके वोट बैंक है, इसीलिए इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, समझें आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा। क्या नाम है? कौशलेन शुक्ला, मंडल अध्यक्ष भाजपा। क्या लगा इस मूवी में आपको खास? ये अगर आज हम इस मूवी को देखें तो अगर हिंदू चेता नहीं तो ये हमारा भविष्य भी है। ये हमारे भूत में हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, और हमारे हिंदू आम हिंदू जनमानस के साथ भारत के अगर होगा, अगर हिंदू इस अगर चेता नहीं तो ये होगा। तो क्या लग रहा है आपको, कैसी मूवी लगी ये? देखिए अभी तक तो हम लोग सिर्फ इतिहास में पढ़ते सुनते आए हैं, और कांग्रेस के शासन काल में हमें कभी सच का बोध नहीं कराया गया। ऐसी इस्लामिक कट्टरता, ऐसी इस्लामिक सोच का अब हमको दहन करना है। राष्ट्र का युवा जाग चुका है पूरी तरह से। ये एक फिल्म नहीं है,
यह एक हृदय विदारक घटना है जो पूर्व में कश्मीरी पंडितों के साथ घटी है और आज किसी भी हिंदू के साथ ऐसा हो सकता है। अगर हम ना सचेते तो वाकई में हमारा भविष्य यह। चल, आपने मूवी देखी? जी जी, हाँ मूवी देखी है जी। जो आज की मूवी में मैंने देखा है वो बहुत ही बीभत्स घटना थी। अगर हमारा समाज, हिंदू समाज नहीं चेता तो आगे इससे भी बंगाल में हो घटनाएं जो है घटित होने वाली हैं। मैं अपनी सरकार को जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनके समय में बॉलीवुड पूरा जो है इस तरह की घटनाएं और इस तरह की पिक्चर बनाने की हिम्मत की है। इसके लिए मैं अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसको टैक्स फ्री कर दिया यूपी में। क्या कहेंगे आप योगी जी के लिए? योगी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पूज महाराज जी ने हम इस मूवी को देखा और देखने के बाद उन्होंने निर्णय जो लिया है बहुत ही सराहनीय निर्णय है। और हमारे ये सबसे मुख्य चीज़ है, 1990 में घटना घटी, हम लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। कश्मीरी पंडित की इतनी बड़ी घटना जो हो, 5 लाख कश्मीरी पंडित नरसंहार हुआ है, उसको हम लोग अघिन्न थे। इस मूवी से देख कर यही ज्ञान हो रहा है कि हम लोग अगर अतीत, अगर हम लोगों का बहुत अधिकार होगा अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने मूवी देख, अभी मूवी देख कर आए? हम मूवी देख करके आए हैं और जो भी मूवी में दिखाया गया है इससे भी जघन्य अपराध, इससे भी ज़्यादा अत्याचार कश्मीर में हुआ था। अभी हम जो भी निर्माता हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इसकी पार्ट टू भी बनाएं और इससे जो भी हकीकत में जो अत्याचार हुआ था वो अत्याचार दिखाएं। बहरहाल प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह मूवी देखनी चाहिए और हम सबसे अपील करेंगे कि आप एक बार इसको ज़रूर देखें और देखें कि किस तरह का अत्याचार पीछे की गवर्नमेंट, कांग्रेस शासित लोगों ने, कम्युनिस्टों ने कैसे कैसे अत्याचार हम लोगों पर किए हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी जिन्होंने बनाया उसको धन्यवाद, जिन्होंने टैक्स फ्री किया योगी जी मोदी जी सबको धन्यवाद। हर एक बच्चे को, हर एक हिंदू समाज जो भी है सबको देखना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि जो कांग्रेस और जो समाजवादी में किया गया है, जो लोग अगर नहीं देख रहे हैं उनको देखना चाहिए। और अगर हिंदू धर्म का कोई भी पंडित, हिंदू में कोई भी जात का हो, अगर वो अभी भी नहीं चेता, अभी भी समाजवादी और कांग्रेस में बढ़ता रहा तो इससे भी बड़ा नरसंहार बाद में होगा। किसी को भी, हम लोगों को सबको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, हम लोगों के साथ में रहना चाहिए। ना कांग्रेस ने ये सब इतना बड़ा सच छुपाया, उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और समाजवादी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जो हिंदू है वो सब लोग एकत्रित रहें, एकजुट रहें, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबको, हिंदू को साथ में रहना चाहिए।